हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पुराने फैन सीलिंग फ़ैन को रीपेंट कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे सीलिंग फ़ैन को नीचे उतार लिया है और इसके ब्लेड भी अलग कर लिए हैं। आप किसी की मदद लेके भी ये कर सकती हैं। आप देख सकती हैं ये फ़ैन बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो हम इसे अच्छे से धो लेंगे ब्लेड्स को, और इसे एक अच्छे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों ब्लेड को डिटर्जेंट से अच्छे से धो लिया है और मोटर को भी हमने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब हमें इस ब्लेड को अच्छे से, या इस ब्लेड की सरफेस को अच्छे से साफ कर लेना है। तो इसके लिए हमें ये पॉलिश पेपर लगेगा। तो हम अभी इसे साफ करेंगे। तो इसी तरह हमें मोटर को भी अच्छे से घिस लेना है इस पॉलिश पेपर की सहायता से। देखिए, इस तरह से हमें इसका पूरा डर्ट निकालना है। यहाँ पे हमने तीनों ब्लेड और मोटर को पॉलिश पेपर की सहायता से अच्छे से घिस लिया है। अब हमें इसे पेंट करना है। मैंने यहाँ पे लाइट आइवरी कलर लिया है। आप कौन सा भी कलर ले सकते हैं, आपका मनपसंद। तो अब हम इसे पेंट करेंगे। हमें दो कोट देने हैं। एक कोट पूरी तरह से सूखने के बाद हम दूसरा कोट अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम फैन रेडी कर लेंगे। और हाँ, इस तरह से हम ब्लेड के बाद मोटर को भी अच्छे से कलर कर लेंगे। उसे भी दो कोट देने हैं हमें। पहला सूख जाने के बाद हम दूसरा कोट देंगे। इस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने तीनों ब्लेड्स, कप्स और मोटर को ऑयल पेंट के दो कोट्स देके तैयार किया है। तो अब हम इस पर पैटर्न करेंगे, पैटर्न डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट शीट। इस पर हम कार्डबोर्ड पे एक डिज़ाइन बना के लेंगे। मैंने यहाँ बटरफ्लाई करके लिया है और ये ऐसा हम इसे कटर की सहायता से ऐसे काट लेंगे। तो चलिए देखते हैं कलरिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने बटरफ्लाई के स्टेंसिल को ब्लेड पे टेप की सहायता से लगा के लिए, चिपका के लिया है। तो अब हमें एक फोम का टुकड़ा चाहिए। इसे हम ऑयल पेंट में डिप करेंगे हल्का सा, और एक्सेस ऑयल पेंट है ना, इसे निकाल लेंगे। हमें थोड़ा ही ऑयल पेंट चाहिए इसमें, और इसे हल्का सा अब हम इस बटरफ्लाई को इस ऑयल पेंट कलर से कवर करेंगे। हल्का सा ही लेंगे। हमें यहाँ पे ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करना है। इसी प्रोसीजर को हमें दोहराना है। हल्का हल्का कीजिए, पूरा कवर करना है हमें। ये देखिए, लगभग कवर हो चुका है सब। अब ये कवर हो जाने के बाद हमें इस स्टेंसिल को हल्के से उठाना है। और हम इसे आगे इस तरह से रखेंगे, और यहाँ भी हम एक बटरफ्लाई
बटरफ्लाई लगा के यहाँ पे हम कलर कर लेंगे। इसी तरह से हम आगे यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, ऐसे हम बटरफ्लाई का पैटर्न कर लेंगे। तो मैं ये पैटर्न करके लेती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमने बटरफ्लाई स्टेंसिल की सहायता से ये पूरे ब्लेड को डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने छोटे बटरफ्लाइज का स्टेंसिल यूज़ करके ये येलो कलर में बटरफ्लाई बनाए हैं, छोटे छोटे, और अरेंज किए हैं। आप मनपसंद आपका कुछ भी थीम लेके बना सकते हैं। इस तरह से हम तीनों ब्लेड के ऊपर ये सेम ही डिज़ाइन बनाएंगे, बना के लेते हैं। यहाँ पे अभी तीनों ब्लेड रेडी हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम मोटर को भी डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे हम ये छोटा स्टेंसिल्स लेंगे और ये ऐसे चार बटरफ्लाइज देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डेकोरेट करेंगे मोटर को, और फिर मैं दिखाती हूँ कि मोटर कैसे तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं मोटर को हमने यहाँ पे छोटे स्टेंसिल की सहायता से रेडी कर लिया है। ये डेकोरेट हो गया है अच्छे से। अब जो ये रिंग्स दिख रही हैं आपको, यहाँ पे हम येलो और रेड सिंपल सी रिंग्स देके रेडी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम ब्रश की सहायता से रिंग्स कैसे बनाएंगे। हमें हल्का सा फ़ैन को घुमा के लेना है और ब्रश को ऐसे रख देना है, तो ये रिंग्स अपने आप ही बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे ऑयल पेंट में थोड़ा सा टर्पेंटाइन मिक्स करके इसे पतला कर लिया है। ये देखिए अच्छे से रिंग बन चुका है। तो इस तरह से हमने पुराने फ़ैन को रीपेंट कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बटरफ्लाई की थीम यूज़ की है। आप अपने मनपसंद थीम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में हमने ये पुराने फ़ैन को रीपेंट किया है। तो चलिए अब मैं इसे सीलिंग से लगा के दिखाती हूँ आपको। हमने अभी फ़ैन को जोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नए जैसा। इस तरह से आप भी अपने पुराने फ़ैन को नया बना सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।